दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले की पूरे देश में निंदा की जा रही है। नाहन में भी शुक्रवार को इस घटना पर आक्रोश देखने को मिला। नाहन में स्थानीय लोगों द्वारा एक आक्रोश रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रैली निकालने वाले लोग यहां स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां शहीदों को याद कर कैंडल जलाकर शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि आज देश को इस तरह की घटनाओं से कड़े रुख से निपटने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटना को दोबारा होने से रोका जा सके। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नाहन से राकेश थापा की रिपोर्ट। पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अंबाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है। यही नहीं, भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।